gentlemen, boys and girls, welcome or welcome back to my channel. This is Zaiba and I'm glad you're watching me right now. गया बहुत ज़्यादा ही गैप हो गया है. आई डोंट नो लास्ट मैंने कब वीडियो अपलोड की थी, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज फ्रॉम द लास्ट वीडियो एंड द वन आई एम गोना अपलोड नाउ, मतलब ये वाला. और बहुत सारे चेंजेस लाइफ में आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो चुकी है, तो सारा कुछ अपडेट, सारा कुछ तो नहीं हो पाएगा, बट जितना हो पाएगा उतना अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगी. अभी मैं तैयार शहर होके जा रही हूँ हैदराबाद. इन सम टाइम आई लेट यू नो कि क्या करने, क्यों और वाई एंड वॉट एंड ब्ला ब्ला ब्ला. तो इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने डाला था वो मैंने अपना जर्नी वीडियो डाला था पार्ट वन, एंड आई केप गेटिंग क्वेश्चंस कि मेरा पार्ट टू कब आ रहा है. तो आई विल एक काम करूँगी मैं, तो अब से आई विल ट्राई पुटिंग वीडियोज लाइक रेगुलरली, आई ट्राई. और उसमें ही मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करती रहूँगी, या फिर शायद मैं पार्ट टू भी बना लूँगी, देखते हैं जैसे मेरा मन करेगा मैं वैसे कर लूँगी. अभी फिलहाल मैं तैयार हो चुकी हूँ, आई एम वेटिंग फॉर माई कैब. क्या हुआ है, बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन था कि जॉब का क्या करना है, मुझे जॉब, मेरी जॉब लगी या नहीं लगी. तो I'll break that ice in some time. So stay tuned and I will see you in some time. बैठ चुकी हूँ अभी कैब में और जस्ट एयरपोर्ट के लिए निकले हैं. 40 मिनट लगता है मेरे घर से, थैंकफुली ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये रोज़ अप एंड डाउन अगर एयरपोर्ट करना है भाई. जो लोग कहते हैं कि बैंगलोर का एयरपोर्ट बैंगलोर शहर से बाहर है, हाँ है, बट मेरे घर से थोड़ा पास ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, तो थैंक गॉड. तो हाँ, अभी मैं जा रही हूँ हैदराबाद क्योंकि मेरे वहाँ पे सिम सेशंस है. सो व्हाई व्हाट सिम सेशंस इज दैट मेरी जॉब लग चुकी है इंडिगो में, एंड राइट नाउ आई जस्ट केम बैक होम, आई गेस 4 days back or 3 days back आई वॉज देयर इन गुड़गांव जहाँ पे इंडिगो का ऑफिस है, आई फ्लाई. वहाँ पे वी हैड अ ग्राउंड क्लासेस फॉर ऑलमोस्ट 2 months एंड आफ्टर दैट आई हैव कम हियर. तो जो लोग मैं से पूछ रहे थे कि जॉब मेरी लग चुकी है या नहीं, तो हाँ जी लग चुकी है और ग्राउंड क्लासेस भी हो चुके हैं. अभी हमारे चल रहे हैं सिम्स, तो सिम के लिए मुझे जाना पड़ रहा है हैदराबाद जहाँ पे हमारे आई गे मेरे 2 सिम्स हैं, बिकॉज ऑफ विच आई हैव टू स्टे देयर फॉर अ वीक एंड आफ्टर दैट आई विल कम बैक टू बैंगलोर. एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू ऑपरेट फ्रॉम बैंगलोर, दैट इज़ माई बेस इज़ बैंगलोर थैंकफुली. बट शुरू में बैंगलोर मिल गया है तो चेंज भी हो जाएगा थोड़े टाइम में, बट ठीक है यार, शुरू में थोड़ा एडजस्ट होने के लिए बैंगलोर घर पे सही है, एकदम परफेक्ट. लैंडेड हैदराबाद गाइस. Okay, so my stay at Hyderabad is this. I'll give you a small room tour. So this is the wardrobe. This is the room. Cute sa bed. And this is me and my outfit. So I don't know if there's any view. Okay, so this is the view. There's a basketball court. This is the washroom. Okay, the washroom is very pretty. Hi. तो ये वॉशरूम है, ये शार एरिया है. So the thing now is that I just now met my sim partner and all my other friends niche, and they told ki we are supposed to leave by 7 PM and it's already 6:35 and I've just reached, and we have a night sim that is from 10 to 2 is the duration, and I haven't slept also, I'm really sleepy. And I need to change into my uniform now.
and leave. I'm hungry also. I don't know if I should eat or no. Sad life, but it's okay. उठ के तैयार होते हैं, तैयार होके यूनिफॉर्म वगैरह पहनते हैं. यूनिफॉर्म पहन के वी विल लीव फॉर द सिम. यार मुझे सोना था. आई थॉट 10 o'clock. भाई 10 o'clock से लिखा हुआ था, तो आई थॉट कि 10 मतलब आई विल गेट काफ़ी टाइम टू रिलैक्स एट द होटल, बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉन्ट. आई हैव टू लीव. सो इट्स ओके, लेट्स गो, लेट्स गेट रेडी. और कुछ नहीं करना, बस मुझे थोड़ा सा फेस वॉश आई गेस करना है और यूनिफॉर्म पहनना है. सो दिस इज माई यूनिफॉर्म. ओके, कूल, क्लोज. यार इससे ज्यादा खाने का मेरे पास ना टाइम नहीं है, तो लेट्स जस्ट ईट दिस एंड गो. हाय करण. हेलो. व्हाट्स अप? पढ़ाई. पढ़ाई बंद है ब्रो. पढ़ाई चल बंद है क्योंकि हो नहीं रही. ये क्या है? अबे यार तेरा बोर्ड लीक हो गया. आओ. मेरी टाई भी पीक गई. वो तो सूख जाएगी. और मैं बैठूंगी कैसे अब? और ये व्लॉग में भी आएगा. भैया हाय बोल दो. भैया भैया गाड़ी चलाने में बिजी है. कोई बात नहीं, हाय बोल दो. हाथ हिला दो बस. हाँ वेरी गुड. Good morning. It is 7 a.m. in the morning. I woke up. I slept for an hour after coming back. I came back at 3 o'clock in the morning from my sim. And after that, I was really sleepy, but I didn't want to sleep. I thought I'll eat my breakfast at 6:30 and sleep, but I fell asleep. So I slept at around 5:30, woke up at 6:30. And now I went, had my breakfast. I was so sleepy and I'm so cranky when I wake up. So cranky when I wake up. बात ही नहीं होती है किसी से मैं व्लॉग क्या करूँ. तो मैं उठी, सीधा नीचे गई, फ्रेश होके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खा के अभी आई हूँ. अभी मेरे आँखें देखो फुल, बहुत ही ज़्यादा नींद है. तो अभी मैं सो जाऊँगी. अभी सोऊँगी, पता नहीं कब उठूँगी लंच के टाइम पर. तो येस, इट वॉज़ अ गुड फाइन सेशन लोकेश, बट बहुत सारी पढ़ाई करनी है. वैसे पढ़ाई नहीं होती है, मेरे को कोई पढ़ा दो प्लीज़. और कोई बात नहीं, चलेगा. तो अभी मेरा अगला सिम सेशन 31st को, तो मैं 3 दिन फ्री हूँ होटल में, चिल करूँगी, पढ़ाई करूँगी. एंड देन आई फिनिश माई सिम, लास्ट सिम हियर इन हैदराबाद ऑन 31st, एंड देन आई हैव माई टिकट बैक टू बैंगलोर ऑन 1st. अपडेट यही है अभी तक का लाइफ में कि मैं अपना टाइप रेटिंग करके आ गई, और 2023 जनवरी में, इस साल ही जनवरी में अपना टाइप रेटिंग करके आई. टाइप रेटिंग किया था मैंने जॉब लगने के बाद. इंडिगो मेरा क्लियर हो चुका था, रिटर्न, अडेप्ट, GD, इंटरव्यू सब. फिर इंडिगो का क्लियर होने के बाद आई वेंट फॉर माई टाइप रेटिंग. आई एम ऑन द ATR फ्लीट फॉर नाउ, क्योंकि मेरे पास मल्टी नहीं था, मुझे ATR करना पड़ा. मेरे पास 320 ऑप्शन ही नहीं था. तो आफ्टर आई गॉट इन टू इंडिगो विद द ATR वेकेंसी, आई डिड माई टाइप रेटिंग फ्रॉम बैंकॉक एंड आई केम बैक. आफ्टर आई केम बैक ज़्यादा टाइम वेट नहीं करवाया, 2 महीने के अंदर अंदर इंडिगो ने इंडक्शन के लिए बुला लिया. आई गॉट डन विथ माई इंडक्शन. आई गॉट डन विथ माई ग्राउंड क्लासेज इन दिल्ली, दैट्स इन गुड़गांव, जहाँ पे आई फ्लाई ट्रेनिंग सेंटर है इनका. वहाँ पे 2 महीने के ग्राउंड क्लासेज हुए. आफ्टर ग्राउंड क्लासेज आई केम बैक बट टू बैंगलोर, एंड आई गेस इन अ वीक, नॉट इवन अ वीक, 4 to 5 days, आई हैड टू कम बैक अगेन टू हैदराबाद. तो अभी ये सिम सेशंस चलते रहेंगे. देर आर आई गेस 8 to 9 or 10 सिम सेशंस. आफ्टर दैट आई बी फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट एज एन ऑब्जर्वर, जहाँ पे आई बी सिटिंग ऑन द 3rd seat इन द कॉकपिट एंड ऑब्जर्विंग द एंटायर फ्लाइट, जिसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा. और उसके बाद लाइन रिलीज होंगे, फर्स्ट ऑफिसर बनेंगे, पैसे कमाएंगे. सो बस हाँ, यही अपडेट है कि अभी फ़िलहाल जॉब है, पैसे आ रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि CPL करके बैठना पड़ा, बहुत टाइम नहीं बैठना पड़ा, जॉब लग गई। फ़िलहाल वैकेंसीज़ अच्छी है, काफ़ी वैकेंसीज़ आ रहे हैं। एंड क्योंकि मैं ATR फ्लीट पे थी, बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड भी हो गया, तो अभी आई एम ऑलरेडी हैविंग माई जॉब एंड आई'ल बी फ्लाइंग सुपर सून। तो बस इतना ही अपडेट है। अब बाकी जो भी है, आई विल मेक श्योर दैट आई एम कंटिन्यूइंग टू व्लॉग ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड आई विल ट्राई अपलोडिंग वीडियोज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस, शोइंग यू माई जर्नी, शोइंग यू माई वर्क, जितना हो सके फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स ऑफ माई कंपनी। सो येस, दैट्स ऑल। अभी फ़िलहाल आई गेस 7:30 बज रहा है, तो अभी मैं सोऊंगी एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत टाइम बाद पूछ रही हूँ, तो प्लीज़ कर देना। एंड दैट्स इट गाइस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।